जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यूज होम में। तो दोस्तों, आज हम उज्जैन के ऐसे लड़कों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने दुर्लभ कश्यप की तरह थोड़े ही दिनों में इतनी वारदातों को अंजाम दे दिया है, जिनके आगे दुर्लभ कश्यप की भी वारदातें कम पड़ जाएंगी। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, दुर्लभ कश्यप ने कम उम्र में ज़्यादा अपराधों को अंजाम दिया था, जिसके कारण उसका नाम उसकी उम्र से कहीं ज़्यादा हुआ था। उसी प्रकार अब उज्जैन में एक नई गैंग सामने आई है। दोस्तों, उज्जैन शहर की कॉलोनियों में उत्पात मचाने वाला चड्डी बनियान गिरोह आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। पुलिस ने 7 बदमाशों को गुजरात के दाहोद से गिरफ्तार किया है। बदमाशों ने करीब 8 माह में 65 वारदातों को अंजाम दिया था, जो कि दुर्लभ कश्यप के अपराधों से कई गुना ज़्यादा है। CCTV कैमरे के फुटेज की मदद से पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बदमाश झाबुआ के रहने वाले हैं। शहर में लगातार चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले चड्डी बनियान गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बदमाश बाहरी क्षेत्र में स्थित कॉलोनियों में सूने मकानों में वारदात को अंजाम देते थे। चोरी के बाद आरोपित पैदल ही भाग जाते थे। ये बदमाश अपनी कार सिप्रा नदी के किनारे रामघाट व अन्य क्षेत्रों में खड़ी करते थे। पुलिस को रामघाट से मिले CCTV फुटेज के आधार पर बदमाशों की लोकेशन गुजरात के दाहोद में मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने वहां दबिश देकर 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों ने पूछताछ में महाराष्ट्र में भी कई स्थानों पर वारदात करना कबूल किया है। बताया जा रहा है कि बदमाश जिस ज्वेलर्स को दाहोद में चोरी का माल बेचते थे, वह पुलिस के पहुंचने से पूर्व ही फरार हो गया है। पुलिस अभी उसकी तलाश में जुटी हुई है। इस प्रकार ये उज्जैन के बदमाशों ने सिर्फ 8 माह के अंदर 65 वारदातों को अंजाम दे दिया था, जो कि दुर्लभ कश्यप के अपराधों से कई गुना ज़्यादा है। तो आपका क्या ख्याल है ऐसे बदमाशों के बारे में, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।